हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और चलिए, मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो मैं आज आपको बता दूँ, एक सैमसंग का फ़ोन है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। आज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट, क्योंकि हमारे चैनल में कोई फेक वीडियो नहीं बनती है, तो मैं इसे ऑन करूँगा फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा, तब तक ये ऑन हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे आपको इस फ़ोन को प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसको फिर उसके सोल्यूशंस आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसमें बता दूँ फ्रेंड्स, तब तक आपको मैं प्रॉब्लम्स इसको बता देता हूँ जब तक ये ऑन हो रहा है। तो आप हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को जाएँ, स्मार्ट टेलीकॉम लिखेंगे तो फर्स्ट में ही इंडिया का लोगो, हमारे चैनल का लोगो है, आपको फर्स्ट में ही हमारे चैनल यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसमें प्रॉब्लम्स को बता दूँ जब तक ये ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम है कि इसका टच वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसका जो टच है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये हो सकता है कि किसी यूज़र ने अपना इसे अपडेट कर दिया है फ़ोन को, और अपडेट के दौरान ये हमारा टच वर्क नहीं कर रहा है। तो इसी का सलूशन हम देने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी चैनल में हमारे फेक वीडियो नहीं डलती है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप इसे मैं अभी आपको बस जस्ट दिखाई देता हूँ कि इसमें टच वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बस ओपन ही हो जाएगा फ्रेंड्स, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो मैं इसे देख लेता हूँ। तो फाइनली ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, फ़ोन मैंने कहीं से भी खोला हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये फ़ोन प्रॉपरली तरीके से हमारा टच वर्क नहीं कर रहा है। मैं फिर से इस बार स्क्रीन लॉक खोलता हूँ, और आप देख सकते हैं ये वही फ़ोन है, और ये इसका मॉडल मैं आपको दिखा दूंगा फ्रेंड, J415F J4+ है ये फ़ोन। तो आपको यहाँ पे ये देखिए, इसका टच वर्क नहीं कर रहा है आफ्टर अपडेट होने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसको सिंपली हम क्या करेंगे आपको सारे स्टेप देखने के लिए, चलिए हम आपको पीसी में ले चलते हैं और सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया था, मैंने आपको इंट्रो बताई दिया, तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम उसको फ्लैश करेंगे फ्रेंड, उसको डाउनग्रेड वर्जन से उसको फ्लैश करेंगे। तो उसको फ्लैश करने के लिए फ्रेंड्स, मैं उसको बता दूं, यहाँ पे देखिए फाइल है हमारी, कोई भी वीडियो हमारे चैनल में फेक नहीं बनती है फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉपरली पहले ही बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल को अपने स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हम ये लिंक भी दे देंगे। तो ये देख सकते हैं ये फाइल है फ्रेंड, देख सकते हैं ये फाइल को हमने स्टैक कर लिया है। तो ये देखिए, इसकी फाइल 4 फाइल मल्टी फाइल आ चुकी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं APBLCP। इसके लिए फिर हम फटाक से टूल को खोलेंगे फ्रेंड, टूल को ओडिन टूल को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है। तो ये हमारा पोर्ट भी, हमने इसको डाउनलोड मोड पे कनेक्ट किया हुआ है फ़ोन को, इसीलिए जिससे कि आपको देरी ना हो, इसलिए मैंने सारा चीज़ करके रखा हुआ है। तो BL की फाइल देंगे फ्रेंड, तो ये हमारी है डेस्कटॉप पे। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे फटाक से फ्रेंड, और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाने वाले हैं। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम अपनी फाइल को देंगे जहाँ पे हमने अपनी फाइलों को रखा हुआ है। तो ये हमारी फाइल है। तो BL सबसे पहले BL को दे देंगे फ्रेंड। BL को देने के बाद AP की फाइल थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि वो सिस्टम की फाइल होती है फ्रेंड। तो AP में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, मैं बता दूँ AP की फाइल लोड होने में फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपके चैनल में हम बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी AP की फाइल लोड हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लगता था। अब CP की फाइल देंगे इसमें फ्रेंड्स, CP की फाइल हमें यहाँ पे दे दिए हैं। अब उसके बाद, तो फ्रेंड उसके बाद हम यहाँ पे CSC की फाइल देंगे। तो CSC आप इसमें होम भी दे सकते हैं और नॉर्मल भी दे सकते हैं फ्रेंड, तो मैं इसमें भी नॉर्मल ही दे सकता हूँ। और उसके बाद सिंपली हमारा ये फ़ोन देख सकते हैं, हमारा ये टूल प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, प्लीज़ वेट। अब ये अब कुछ नहीं करना है, सिंपली फ्रेंड्स हमें इसे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने स्टार्ट बटन पर फ्रेंड्स क्लिक कर दिया है, फ़ोन हमारा प्रॉपरली तरीके से चालू हो गया है। कोई भी एरर यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पे हम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स, हम इसीलिए पहले ही आपको बताया था कि हमारे चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा कोई भी एरर नहीं आया है, हमने यहाँ पे BL AP CP CSC को पूरी तरीके से फाइलों को दे दिया है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो हमने देर ना होते हुए इसलिए हमने टूल को भी, ओडिन टूल को भी हमने 3.14.1 वर्जन का टूल यूज़ किया है यहाँ पे, और फाइल जो है इसकी हमने डाउनलोड फाइल को यूज़ किया है, और सिंपली हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो टच है वो हमारा वर्क करता है कि नहीं। ये क्या होता है प्रॉब्लम कि फ्रेंड्स जब हम फ़ोन को अपडेट कर देते हैं, और मैं इसका रीज़न बताऊंगा कि क्यों होता है फ्रेंड। तो इसका रीज़न हालांकि सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ अपने नए हमारे स्टूडेंट्स और हमारे नए सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये सिस्टम की फाइल, इसमें ज़्यादा सिस्टम की फाइल मेन होती है जो कि एपी में होती है, अब वो इसमें सिस्टम की फाइल राइट हो रही है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कभी मार्केट का फोल्डर लगवाते हैं, फोल्डर का मतलब टच और डिस्प्ले होता है फ्रेंड्स, मतलब आप इसको जब मार्केट में लगवाते हैं, जब आपका कंपनी का रहता है तो आप कितना भी अपडेट करें कभी भी टच नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। ये तभी प्रॉब्लम आती है जब आप कभी आप अपना फोल्डर को लगवाते हैं, तो उसमें फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब आप लोकल का फोल्डर उसमें लगवा देते हैं तो अपडेट होने के बाद आपका टच वर्क करना बंद हो जाता है। तो यही एक रीज़न है फ्रेंड्स कि टच आपका काम करना बंद कर देता है। तो अब आपको उसको क्या करना होगा, कभी भी आप, मैं एक छोटा सा सजेस्ट करूंगा, या तो सब्सक्राइबर होंगे, या तो हमारे स्टूडेंट होंगे, या तो हमारे व्यूवर होंगे, तो कभी भी आप अगर लोकल का टच लगवाते हैं सैमसंग के फ़ोन में तो टच काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें यहाँ पे विद प्रैक्टिकल हम दिखा रहे हैं, इसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ स्मार्ट टेलीकॉम को सपोर्ट करें, और जितना हो सके फ्रेंड्स उतना आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेकर के हमेशा आते रहेंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, और आपको ऐसी ट्रिक्स से रिलेटेड, मैं यहाँ पे टेक्निकल लाइन से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रिक्स होंगे फ्रेंड्स मैं सब आपको लाके लाता रहूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है, सारी चीज़ें डाउनलोड मोड पे कनेक्टेड है और काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना हो सके आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, मैं आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ, हमेशा यूट्यूब पे आपको बना रहूँगा और आपके लिए नए नए कंटेंट लाता रहूँगा। अब आप कहते हैं कि ये मैं हम देख चुके हैं, तो प्लीज़ जो भाई हम इस वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ इसे आप, तो फ्रेंड्स मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को ऐसा जानते हैं ट्रिक, तो आप बिल्कुल भी हमारे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर नहीं आप एकदम नए हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत कामफुल, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। मैंने कोई भी स्टेप नहीं छोड़ता हूँ, सबसे पहले हमने फाइल चाहिए होती, तो आपको हमने फाइल भी यहाँ पे दिखाई हुई है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी फाइल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी फाइल के बाद फ्रेंड्स भी आप ये भी देख सकते हैं, इसकी फाइल जिप में आती है तो हमको अनजिप करना है। अब आपको कैसे डाउनलोड करना है मैंने यहाँ तक भी आपको बताया हुआ है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो। और तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मैं कहीं भी वो नहीं कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे सिस्टम की फाइल राइट हो चुकी है, अब यूज़र डाटा यहाँ पे जा रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमारा फ़ोन सिंपली रिस्टार्ट हो जाएगा और हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो नहीं होने का रीज़न फिर अगर हार्डवेयर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये सॉफ्टवेयर से ही प्रॉब्लम हो। अगर कस्टमर बताता है कि हमारा ये अपडेट से हुआ है तो सिंपली आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, बट अगर कस्टमर नहीं बताता है या कस्टमर बोलता है कि टच वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर ही करना है, उसके बाद ही आपको हार्डवेयर पे जाना है। पहले आपको सॉफ्टवेयर कर लेना है, फिर आपको टच की सप्लाइयों को चेक करना है कि क्या हमारी जो टच की सप्लाइयाँ हैं वो प्रॉपर आ रही हैं कि नहीं आ रही फ्रेंड्स। तो आप तभी इसमें हार्डवेयर पे वर्क करें, क्योंकि आपको फिर हार्डवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जितना हो सके फ्रेंड्स उतना आप हमारे वीडियो को प्यार दें, और जितना हो सकता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है फ्रेंड्स, नॉलेज कभी भी बताने से कभी नहीं नॉलेज घटता है, मैं आपको यही बताना चाहूँगा। तो अगर आपको वीडियो, प्लीज़ मैं बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आई वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगती हो, हमारे चैनल्स की वीडियो आप और भी जा करके देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, मैं हमेशा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स, तो
ये जो टच नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम था आफ्टर अपडेट, तो अगर ये आपको अच्छी लगी हुई फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे मॉडम की फ़ाइल हमारी राइड हो रही है, अब बस रिस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हिडन और सारी चीज़ें, हमारी फ़ाइल राइड हो चुकी है लगभग लगभग, और सारी चीज़ें ODM हमारा राइड हो रहा है। अब इसके बाद हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको फिर प्रॉपरली चालू करके दिखाऊंगा कि हमारा वो जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ कि नहीं। कोई भी वीडियो मैंने स्किप नहीं की है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो, ये हमारा रिस्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे पॉज करूँगा और अपने मोबाइल में आपको दिखाऊँगा कि हमारा ऑन हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन डाटा केबल से मैंने भी निकाला ही नहीं है, और हमारा फ़ोन ये देखिए पास हो चुका है। मैं साइड में आपको वहाँ पे रिस्टार्ट का भी दिखा रहा हूँ। अब मैं तो थोड़ा सा इसको डाटा केबल को निकाल देता हूँ फ्रेंड्स, और ये दिखाता हूँ आपको साइड में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारा चीज़ फ्रेंड हो रहा है। और ये देखिए कि मैं यहाँ पे आपको फ़ोन थोड़ा सा चालू होने में टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये अपना प्रोसेस कर रहा है, एंड्रॉयड का अपडेटिंग चल रहा है। यहाँ पे फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। ये अभी देखिए हमने साइड में आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हमारा, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो टच नहीं चल रहा था, नहीं काम कर रहा था, वो हमारा प्रॉपरली वर्क हुआ कि नहीं हुआ। हमने जो सोल्यूशन आपको बताया, क्या वो हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ़ोन तो हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, फॉर्मेट भी हो चुका है। अब ये देखते हैं हमारा टच वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, 110% जॉब डन हो चुका है। ये हमारा टच वर्क 110% हो गया है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसको हम क्योंकि इंग्लिश करना भूल गए थे, आपको इंग्लिश कर लेना है, और मेन हमारा मोटिव था टच का। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा टच सिंपली तरीके से हो चुका है, काम हमारा हो गया है फ्रेंड्स। तो अब आपको अगर वीडियो आपको प्लीज़ अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स। तो ये हमारा था टच वर्क नहीं करने का, तो आपके सामने ही दिख रहा है फ्रेंड्स, सारा टच जो हमारा दिख रहा है आपके सामने ही, टच एकदम 110% आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जो हमारा था वो 110% हो चुका है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच। ये आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप भी जा करके उसको अपडेट कर सकते हैं और फाइनली काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.